देखिए हमारे घराने में एक तो गायकी जो अंग है दिल्ली घराने का, वो लगता बड़ा आसान है, लेकिन वो सिलसिलेवार जो बड़ा होती है ना, और जैसे मैं सितार बजाता हूँ तो हमारे घराने के सितार में ज्यादा हम लोग अलाप में स्टॉप नहीं मारते। हमारी कोशिश ये रहती है, जैसे दा, अब हम दा से गा तक गाएं अगर सितार पे, तो वो एक ही स्ट्रोक में है। ये हमारे, और ऐसे ही जो हमारे यहाँ इंस्ट्रूमेंट बजते, हमारे यहाँ जो है ना मीट सूत और लहर का काम ज्यादा है अलाप में, और तानों में बहुत वैरायटी है। गोरख धंधे की तान, गुलजट्टी की तान, सफार तान, और क्या बोलता हूँ सर, मतलब कई ताने इस तरह हैं जो मैं सितार पे ही बजा के दिखा सकता हूँ आपको, लेकिन वो मैं गा नहीं पाऊंगा इस तरह से, क्योंकि मैंने गाना कई बहुत दिन होगा उतना मैं गा नहीं पाता। हमारे यहाँ के सिलसिलेवार जो बढ़ते हैं, हम लोग एक एक सुर के हिसाब से आगे बढ़ते हैं। जैसे दाह से हमने नी दिखाया, तो नी के अंदर ही बहुत सारे फ्रेज दिखाने होंगे हमें, सिलसिलेवार बढ़ा। और लहर का हमारे यहाँ ज्यादा काम है, ये लहर से जा रही है, ये ऐसी सीधी नहीं जा रही, ना ये नहीं है, ये गायकी हमारी अलग है। और हमारे यहाँ जो गायकी में ना ज्यादातर हम लोग कोशिश करते हैं कि सुर दिल पे लगे, दिमाग में नहीं, मुलायमियत से, मतलब सुर का जो लगाने का अंदाज है वो इतना होना चाहिए कि आपका सुर से ईश्वर मिले, स्वर और ईश्वर का मेल हो, कि जैसे आप इबादत कर रहे हैं। देखिए मैं नए भी, जैसे मैंने कल ही मेरे यस्टरडे एक प्रोग्राम था सूफी नायक खान साहब की यहाँ दरगाह दिल्ली में, तो वहां वो क्लासिकल रखते हैं 3-4 दिन का, तो कल मैं जैसे वहां गया था तो मैं सोच के तो गया था मैं पूर्वी बजाऊंगा, और फिर पूर्वी के बाद मैं सोचूंगा आगे क्या बजाना है। लेकिन कल मैंने जो ऑडियंस देखी, कई बार ऑडियंस को देखते हुए गाना बजाना होता है, कि ऑडियंस की समझ में आएगी वो बारीकियां पूर्वी की, तो मैंने एमन कल्याण बजाया थोड़ा सा। उसके बाद में फिर मैंने, क्योंकि बसंत का महीना है, तो बसंत बजाया थोड़ा। बसंत बजाते बजाते मेरे जहन में आया कि यार बाहर भी होनी चाहिए, फिर मैंने बाहर भी बजाई, फिर बाहर बजाते बजाते मेरे जहन में आया कि जयजयवंती बाहर भी होना चाहिए, तो मैंने वो फिर जयजयवंती बाहर भी बजाई। उसके बाद मदबहार का भी जहन आया, क्योंकि कुछ जो लोग बैठे हुए थे सामने कुछ गाने बजाने वाले, तो उनको देख बाद में आए हो तो बन गया हो। लेकिन ये बात सही है कि हर आर्टिस्ट का अपने एक पसंदीदा राग होते हैं, जैसे मैं हूं, मेरे को जयजयवंती बहुत पसंद है, यमन कल्याण बहुत पसंद है, ब्यागड़ा बहुत पसंद है, रागेश्वरी कौन बहुत पसंद है, ऐसे सुबह के रागों में मियाँ की टोड़ी बहुत पसंद है, ललित बहुत पसंद है। ऐसा नहीं है कि मैं और राग नहीं बजाता, और भी मैं बजाता रहता हूँ, लेकिन जब मेरी, मुझे ऐसा लगता है कि मुझे आज कुछ सुनाना है इनको, आर्टिस्टों को, आम पब्लिक को नहीं, तो मैं इन रागों को ही लेके बैठता हूँ। जो कौस हुआ, दरबारी हुआ, इस तरह के राग, और ये मेरे बड़े मन पसंद राग है, और मुझे लगता है हर आर्टिस्ट के एक मन पसंद राग होते हैं। पहले एक जमाने में मुझे पूरे कल्याण भी बहुत पसंद था, पूरे वो अपना धनाश्री भी बहुत पसंद था, लेकिन अब वो मैंने थोड़ा कम कर दिया, पूरे धनाश्री खत्म कर, खत्म
थोड़ा कम करके पूर्व भी ज्यादा बजाता हूँ। जो जो आपकी उम्र बढ़ती है तो वो रागों में एक तो आपके बजाने में भी ठहराव आता है और जहन में भी आता है, तो गाने में भी ठहराव आता है। तो आप राग वो डेप वाले ही लेते हैं जो आपकी उम्र पे ही सूट करें। जैसे मैं अपनी पर्सनल, मेरी सोच ये है, मैं अपना और मैं इस्तेमाल भी करता हूँ उन चीजों को, इसमें कोई बुराई हर्ज नहीं है। हर घराने में सब कुछ नहीं मिलेगा आपको, कुछ चीजें ऐसी होंगी जो आपको दूसरे घराने से लेनी ही पड़ेंगी, लेकिन उनको अपने स्टाइल में लेके आओ अपने घराने। मैं बहुत सारी चीजें हलीम जाफर खान साहब की भी बजाता हूँ, उनका नाम लेके भी, कि उनका स्टाइल ऐसा है। बहुत सारा उस्ताद विलायत खान साहब को भी बजाता हूँ, बहुत सारी पंडित रविशंकर जी की भी बजाता हूँ, और मुझे बेसिकली निखिल बनर्जी, पंडित निखिल बनर्जी और उस्ताद रईस खान बहुत पसंद है। हालांकि मेरे पिताजी भी वायलिन सितार बजाते थे। उनके अलावा मुझे ये दो आर्टिस्ट जो हैं वो मेरे बहुत करीब हैं दिल के। पंडित निखिल बनर्जी जी और उस्ताद रईस, मैं दोनों को बहुत पसंद करता हूँ और इनको बजाता भी हूँ अपने साथ। और ये कहता हूँ कि जी देखो, सब घराने में सब कुछ नहीं होता, आपको इनको भी लेना पड़ेगा और अपने स्टाइल से बजाओ। वो नहीं हुबहू उनकी तरह करो, वो उनका हाथ है, जो उनकी फीलिंग है वो हमारे हाथ में नहीं आएगी, लेकिन उसको अपने स्टाइल से आप उनके अंदाज को पेश करें। और ये अच्छी बात है, होना चाहिए, सबको आना चाहिए, क्योंकि सब कुछ सब सब घरानों में सब कुछ नहीं होता। जिस घराने में जो अच्छी चीज होनी चाहिए वो लेनी चाहिए, लेकिन बशर्त ये है कि अपनी पहचान ना भूले आदमी की, मैं किस घराने से हूँ। आजकल के बात बच्चे, मेरे बेटा है वो कई बार सबको बजाता है, मुझे अच्छा लगता है कि चलो इसके हाथ में है तो सही चीजें। तरीके से वो तो सितार के एम्बेसिडर हैं, पूरे दुनिया में सितार को उन्होंने पहचानवाया है। जिस तरीके का उनका एक शुरू से आखिर तक जो एक बन के चलता है ना, ये नहीं मालूम होता कि अलाप से जोड़ कब आया, जोड़ से गत कब आई, ये एक मैंने तो आज तक ऐसा सुना। तो उनके सितार में जो कंटिन्यूटी है ना, अलाप कब खत्म हुआ आपको नहीं मालूम, फिर जोड़ भी आ गया वो भी नहीं मालूम कब आया, फिर गत भी शुरू हो गई, उसमें झाला भी आखिरी में आ गया। तो ये कंटिन्यूटी जो है ना उनकी, ये सबसे एक तो जुदा है। ऊपर से जो स्टाइल वो बजाते हैं उसको ये कह सकते हैं कि दुर्पथ स्टाइल, वो बहुत ठहराव का काम। देखिए मैं तो बहुत छोटा सा एक आर्टिस्ट हूँ, उनको तो पूरी दुनिया ने माना, तो मैं तो उनके लिए बोलूं तो सूरज को माचिस की तीली दिखाने वाली बात होगी। मुझे एक बार निखिल बनर्जी जो थे वो यहाँ शंकर लाल में बजाने आए थे, और उस टाइम पे मेरा एक नेशनल प्रोग्राम रेडियो से बजा था और वो उन्होंने सुना था, जिसमें मैं चांदनी के तार, जे जे बंती और देश बजाया था, और शफात भाई मेरे साथ तबले पे थे। तो ये मैं जिक्र सबसे कहता हूँ कि मैंने उनसे रियाज करना सीखा है असल में। तो जब मैंने उनके पाँव छुए तो कहने के, शफाक भाई ये सही पेपर है, कहने का हाँ, मैंने तुम्हारा वो नेशनल प्रोग्राम सुना था, वो बड़ा अच्छा बजाया। फिर कहने लगे थोड़ा मुस्कुरा के कि सितारों को अपने जिस्म का हिस्सा बनाओ, कहने अच्छा बजा रहा हो, सितार को अपने जिस्म का हिस्सा बनाओ। तो जाहिर है 15-16 साल के बच्चे क्या समझ में आएगा कि यार जिस्म का हिस्सा क्या बनाना। तो कहने के मेरी बात समझ रहा हो ना, मैंने कहा जी। कहने के सितार में इतना रियाज करो जैसे आपके सर पे यहाँ खुजली हो रही है तो आपका हाथ सीधा वहीं जा रहा है, ऐसे जो जहन में आए वो तुम्हारे हाथ से निकले। तो ये बात मैं जिंदगी भर तक नहीं भूलता, और ये मैं अपने सब शागिर्दों से कहता हूँ कि ये उन्होंने मुझे तालीम दी थी,
सितार को जिस्म का हिस्सा बनाओ, सितार को अपने जिस्म का हिस्सा बनाओ, या जो भी काम कर रहा हो उसको अपने जिस्म का हिस्सा बनाओ। ये नहीं कि पता चला कि मेरे सर में थोड़ा सा खुजली हो रही है और मैं अपना पीठ खुजाने लगा। देखिए, हर आर्टिस्ट को जब तक उसको ऊपर से आशीर्वाद नहीं मिलता वो बजा नहीं सकता। मेरे साथ तो अक्सर ऐसा होता है कि मुझे ऐसा लगता है कि कभी नसीर खान साहब आ गए मेरे सामने, कभी कुंदू खान साहब आ गए, कभी चांद खान साहब आ गए, कभी मेरे पिताजी आ गए। स्टेज पे बैठने के बाद में मुझे नहीं मालूम मैं क्या बजा रहा हूँ, वो ही बजवाते हैं। लेकिन एक प्रोग्राम मुझे याद है जो मैं हमेशा याद रख करूंगा, वो फंसने वाली बात थी। मैं कहीं बजा रहा था और उस्ताद फहीमुद्दीन खान साहब और उस्ताद असद अली खान साहब सामने बैठे हुए, तो जाहिर है मेरा जो उन्होंने कहा मुझसे फहीमुद्दीन खान साहब ने कि बेटा जो जो तुम्हें राग पसंद हो ना वही बजाओ, आज तो हम तुम्हें सुनने आए हैं ऑडियंस में से। तो मैं जयजयवंती मिला के बजाना शुरू कर दिया। अब क्या हुआ कि एक मैंने बीच में एक चीज निकाली थी कि जयजयवंती बजाते हुए अगर मैं पंचम पर रहा हूँ नीचे की, तो वहां से छायांकट बजा रहा हूँ, और फिर अगर देवत पे आ रहा हूँ तो वहां से शुभ कल्याण बजा रहा हूँ, फिर निषाद पे आ रहा हूँ तो इसका यमन कल्याण, फिर सा पे आ रहा हूं तो कामोद, और इस तरह जा जाके राग बदल रहा है। तो वो मैंने एक तान बनाई थी बड़ी मोड बहुत दिनों में, और वो मैं बजा दिया करता था उसमें। लेकिन फहीमुद्दीन खान साहब को पता नहीं क्या सूझी, और कहने मियाँ बात सुनो ये तो सब ठीक है, अच्छा बजा रहा हूँ, तैयार तो भी बजा रहा हूँ, खानदानी भी हो, लेकिन बेटा बात ये है। अच्छा मैं उस टाइम पर रो में एक दिन मालकोस भी बजा दिया उसमें और दरबार भी बजा दिया। तो कहने के मतलब तो तब आए कि जाओ दूसरे राग में और आओ जयजयवंती में। हाँ, और यहाँ चल रही स्पीड ना दिन दिन ना ना दिन दिन ना ना दिन दिन, यहाँ ताने बजा रहा मैं। तो उस टाइम पे जब जवानी होती है ना तो आदमी का रियाज भी बहुत होता है, दस दस बारह बारह घंटे। तो वो मेरी तो हिम्मत नहीं थी, मेरे बुजुर्गों ने मेरी लाज रखी और मैंने उस दिन उन्हें करके दिखा दिया वो काम कि पहले गया मैं छाया नरसिंह और आया जयजयवंती में, तान टूटे भी नहीं और उसमें ही आया, फिर मालकोस देखा फिर आया जयजयवंती में, ऐसे आखिर में आके बेदी में जाके जयजयवंती में आया। तो कहने हाँ मियाँ ये लग रहा है कि तुम खानदानी बच्चे हो, तो ये प्रोग्राम में आज तक नहीं मिला, और अगर नहीं होता खुदा ना खास्ता तो मेरी तो पूरी जिंदगी बर्बाद थी।